हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से अर्थ डे में। आज हम डिस्कस करने वाले सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 2 रुपए 10 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक 1.5% के करीबन की करेक्शन दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 162 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहे हैं। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में जो नीचे का सपोर्ट लेवल है वो 157 रुपीज पर है, जो ग्रीन कलर के निक लाइन देख रही है स्टॉक में के सपोर्ट लेवल का काम कर रही है, और ऊपर में स्टॉक में एक रुकावट रेंज है 175 रुपीज पर। 175 रुपीज पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है जहां पर स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक काफी टाइम से देखें तो एक रेंज बोन में ट्रेड कर रहेगा। जब तक स्टॉक ऊपर में 175 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता, जब तक स्टॉक के अंदर एक फ्रेश मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपरी लेवल पर स्टॉक ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है और नीचे में जो सपोर्ट लेवल है वो 157 रुपीज पर है। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन देता है तो स्टॉक के अंदर फिर से एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, और स्टॉक का जो नीचे का दूसरा सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है, अराउंड 147 रुपीज के एवरेज में। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, अराउंड 157 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट 175 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करें। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।